प्रयागराज के इस सेकंड वीडियो में आपका स्वागत है। आस्था की नगरी प्रयागराज में ऐसे अनेक स्थान हैं जो बताते हैं कि इस धरती का आध्यात्मिक और धर्म से नाता बहुत पुराना है। ऐसे में बहुत से स्थानों में से एक बेहद ही प्राचीन और धार्मिक स्थान है भरद्वाज आश्रम। भगवान श्री राम वनवास के लिए जब प्रयागराज पहुंचे तो भरद्वाज मुनि के आश्रम में एक रात बिताए थे। उसके बाद चित्रकूट के लिए आगे निकल गए थे। इतिहासकारों का मानना है कि अकबरनामा और आईने अकबरी व अन्य मुगलकालीन ऐतिहासिक पुस्तकों से ज्ञात होता है कि अकबर ने सन 1574 के आसपास प्रयागराज में किले की नींव रखी। अकबर ने यहाँ नया नगर बसाया जिसका नाम इलाहाबाद रखा। इसके बाद इसे प्रयागराज के नाम से जाना जाने लगा। इस किले के निर्माण में 45 साल 5 महीने 10 दिन का समय लगा था और 20,000 से अधिक सैनिक इस श्रमिक में काम किया करते थे और जो टोटल कुल खर्चा आया था 6,17,20,224 रुपए की धनराशि इस किले में खर्चा किया गया था। प्रयागराज पूरी दुनिया में इसलिए जाना जाता है क्योंकि यहाँ पर माघ मेला और तीनों नदियों का संगम होता है। पौराणिक कथा के अनुसार इस नदी में जो भी स्नान करता है उसे पुण्य की प्राप्ति होती है।